अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला आइसक्रीम। ये मैंने 500 ग्राम मिल्क लिया है और आइसक्रीम पाउडर। ये हमने मिल्क को एक पतीले में निकाल लिया है। जो हमारा ये पाउडर है आइसक्रीम का, इसके अंदर हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ मिला हुआ होता है। और यहाँ पे हमारा मिल्क अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर तक हम इसे चलाना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले से सब कुछ ऐड किया हुआ। आपको शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर ऐड है पहले से। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है थोड़े से स्पेशल सजाने के लिए। हम कुछ थोड़ा पकते बॉइलिंग करते हुए भी डाल देंगे। और ये हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारी आइसक्रीम रेडी होने वाली है। इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसे हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है और हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करके फिर हमें इसे अपने मतलब जिसमें आप रखना चाहते हैं उसमें रखना है। तो ये हमने ठंडा कर लिया और मैं यहाँ पे एक आइसक्रीम वाला डब्बा है उसमें रख रही हूँ। अब हमने इसे बंद कर लेना है और इसे 5 to 6 hours के लिए छोड़ देना है। आप फ्रीज़र को थोड़ा फुल रखना है कि अच्छी तरह से जम जाए। और यहाँ पे मेरी आइसक्रीम अच्छी तरह से जम चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, खाने में कितनी टेस्टी होगी आप सोच ही सकते हैं। अब हम इसे सर्व करके अच्छी तरह से टेस्ट कर लेंगे कि कैसा हुआ है ये। और मैंने थोड़ा सा ऊपर से काजू बादाम की गार्निश करी है। तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी सी तैयार हो चुकी है। आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बड़ा सा थम्स अप देके जाइए और कमेंट में कैसी लगी आपको वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।